सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। गाइस इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवेंथ का साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स से। तो कर्नाटक स्टेट सिलेबस है और एनसीईआरटी का भी है, तो हम इसको आज कवर करेंगे। इसमें हम तीन टॉपिक्स कवर करेंगे, जो होगा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट और होगा फोटोसिंथेसिस, फिर होगा सेल्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर दें। तो पहले हम इधर ये जो है इतना आप बाद में पढ़ लेना, क्योंकि इतना जो है पार्ट वो इतना ये नहीं है इम्पोर्टेंट, आप बाद में पढ़ लेना। फिर भी इसको मैं भी नहीं पढ़ूंगा बिकॉज टाइम हो जाएगा, तो मैं दूसरा पढ़ाता हूँ। तो पहले हम पढ़ते हैं 1.1 मोड्स ऑफ ट्रांस एक्सरसाइज 1.1 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो इसमें बताया गया कि प्लांट्स सिर्फ एक ही ऑर्गेनिजम्स है जो खुद से खाना बना सकती है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को यूज़ करके। ठीक है, द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो ये सराउंडिंग्स भी उनके प्रेजेंट होते हैं जो मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स। द न्यूट्रिशन एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज टू ग्रो टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडीज आर प्रोवाइडेड एनर्जी कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय देयर बॉडी। द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक्स देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। ठीक है, ऑटोट्रोप्स, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रोप्स मतलब नरिशमेंट। ठीक है, न्यूट्रिशन देयरफॉर प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट्स दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोप्स। हेटेरोट्रोप्स मतलब हेटेरो मतलब अदर और ट्रोप्स का मतलब नरिशमेंट है ना, पहले ही बताया था मैंने। तो जो भी प्लांट्स जो है वो खुद से खाना बनाते हैं उनको कहते हैं ऑटोट्रोप्स। ये आप नोट कर लीजिएगा, ऑटोट्रोप्स मतलब सेल्फ और ट्रोप्स मतलब नरिशमेंट। ठीक है, और जो भी दूसरे लोगों के ऊपर मतलब प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं जैसे एनिमल और बाकी कई सारे ऑर्गेनिज्म, तो उनको कहते हैं हेटेरोट्रोप्स। हेटेरो मतलब अदर, ट्रोप्स मतलब नरिशमेंट, समझ गए ना। तो ये था। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट और ओनली इन सर्टन पार्ट्स, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम इन टू देर, हाउ डू द फूड फैक्ट, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो आप में से कई लोग अब पूछते होंगे कि इसमें से लिखा गया है कि प्लांट्स कैसे खुद का खाना बना सकते हैं रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके, तो अभी हम पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो प्रोसेस होता है जो प्लांट्स को खाना जो बनाते हैं प्लांट्स उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री trees plants, therefore all the raw material must reach the leaf
ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल है लाइक वाटर, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स जो है वो लीव्स को पहुंचना जरूरी है। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्सॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स। ठीक है, जो भी सॉइल ने अब्सॉर्ब किया होता है लाइक रूट्स में, वो ट्रांसपोर्ट हो, वाटर और मिनरल जो प्रेजेंट होता है सॉइल में जो अब्सॉर्ब करता है, रूट क्या करता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है लीव्स को कार्बन डाई लीव्स में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मतलब आपको पता होगा इधर से उधर जाना। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी, मैं इधर से पढ़ रहा हूँ 2 मिनट, मैं इधर से पढ़ रहा हूँ थ्रू से, 2 मिनट, इधर से ये सेल्स का बाद में पढ़ रहे हैं। थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स बाय गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टमोटा। ठीक है, स्टमोटा जो है वो छोटे छोटे होल्स जो प्रेजेंट होते हैं लीव्स में, पोर्स कहते हैं उसको, वो सराउंडेड होते हैं गार्ड सेल से, गार्ड सेल सच एज स्टमोटा। ठीक है, तो स्टमोटा जो है वो भी वो एक टाइप का गार्ड सेल है। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय विसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट। ठीक है, एक विसल्स होती है जो पाइप के जैसे चलती है रूट से, वो जो है वो मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करती है पाइप, पाइप्स बोल रहा हूँ, लीव्स में। द स्टेम द ब्रांचेस एंड द लीव्स दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ पासेज फ्रॉम द न्यूट्रिशंट टू रीच द लीव दे आर कॉल्ड विसल्स। ठीक है, जो जो रास्ता होता है जिधर से पास होते हैं न्यूट्रिशंट लीव्स तक, उसको कहते हैं विसल्स। You will learn more about transport from the material in plants in chapter number 11। ये आपको और जो है ये चैप्टर का चैप्टर नंबर 11 में और समझ में आएगा, जिसका नाम है मटेरियल्स इन प्लांट्स, आगे चल को आपको और समझ में आएगा। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। एक ग्रीन पिगमेंट होता है यानी ग्रीन कलर होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, लीव्स में होता है वो। इट हेल्प्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, वो जो है सनलाइट को पकड़ने में कैप्चर करने में मदद करती है। द एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सिंस द सिंथेसिस ऑफ द फूड अक्यूर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस मतलब जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वो जब सनलाइट को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में मिक्स होके एक फूड बना देते हैं उनके लिए। ठीक है, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू प्रिपेयर। ठीक है, लाइट को प्रिपेयर करना फोटोसिंथेसिस का मतलब है। सो वी फाइंड द दैट क्लोरोफिल सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल जो है वो ज़रूरी होता है ताकि वो खाना बना सके, के लीव्स उसको बाहर दे सके। इट इज़ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर सिस्ट सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन टू द प्लांट्स टू फॉर्म फूड। तो ये काफ़ी यूनिक प्रोसेस है अर्थ में, जो सोलर एनर्जी को लेके अपना खाना बना देती है। थस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोर्स होती है उसमें एनर्जी की, ताकि वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी ये कर सके। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? नहीं, आप कभी भी अपनी बिना लाइफ लाइफ सोच नहीं सकते हो फोटोसिंथेसिस के बिना, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे तो इंसान भी नहीं होंगे, ठीक है। इन द और ऑक्सीजन भी नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देर विल नॉट बी एनी फूड। मैंने अभी बताया द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय प्लांट्स। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। आपने समझ चुका होगा। अब सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ यूनिट्स ऑफ सेल। ठीक है, आपने देखा होगा कि घर बनते वक्त जो है ब्रिक्स काफ़ी ज़रूरत है, तो ब्रिक्स से ही घर बनता है। अगर ब्रिक्स नहीं होंगे तो घर नहीं बन सकता है। वैसे ही हमारी बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो होती है वो एक यूनिट कैरी करते हैं जिसे सेल्स कहते हैं। छोटे छोटे यूनिट्स रहते हैं उसमें। अगर उन सेल्स नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ओनली वन सेल, मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। द सेल इज एनक्लोजली बाय द थिन आउटर बॉडी। ठीक है, सेल्स जो है सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। और काफ़ी सारे एनिमल्स जो होते हैं, सॉरी थोड़े बहुत एनिमल्स जो होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है। ये सेल्स में काफ़ी थिन आउटर बाउंड्री होती है, कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर थिन बाउंड्री होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। फिगर नंबर 1.1 में आप देख सकते हो, यह जो है सेल है, ठीक है, सेल का फोटो है। इन द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड क्लोटोप्लाज्मा प्लाज्मा। ठीक है, तो ये है क्या कहते हैं सेल, और ये जो आपको बीच में रेड रेड दिख रहा है, जैसे फ्रूट में बीज होते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो डॉट डॉट चीज़ आपको दिख रहे हैं यहाँ सब, ये देखे या इधर आप देख सकते हो, उसको कहते हैं क्लोटोप्लास्ट। और जो ये दिख रहा है आपको आउटर लेयर, मतलब ये जो है इधर ऐसे लाइंस, मतलब जो ड्रॉ करे हैं ऐसे समझे, ये ऐसे ऐसे है। तो ये जो लास्ट की जो पार्ट है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन।
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अगर मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।